अगली बार 10 बार सोचेंगे हम बैठेंगे कि नहीं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। ये दिल्ली मेट्रो का के चित्र हैं। कुछ लोग उनके पांव छू रहे हैं, वरिष्ठ हैं, बड़े हैं वो। पर साथ ही कई लोग होंगे जो आज इंडिया स्ट्राइक्स बैक के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत करना चाहेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसका ऑडियो हमें मिल रहा है कि नहीं, किस तरह से बातचीत हो रही है। छोटे बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी बात करते हुए, कई लोग उनके साथ पिक्चर सेल्फी लेते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, ये कई बार करते हैं। हर 2-3 महीने में एक बार तो प्रधानमंत्री जी करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह, ताकि इवनिंग पीक ट्रैफिक में जनता जनार्दन को दिल्ली की इस ट्रैफिक में सिक्योरिटी डिटेल की वजह से या रूट लगने की वजह से दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए वो मेट्रो में सफ़र करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री मेट्रो में सफ़र कर सकता है तो आम आदमी क्यों नहीं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ को बढ़ावा देने की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ कई लोगों के साथ इंटरेक्शन लेते हुए, तस्वीरें खिंचवाते हुए, और आज का दिन एकदम सही दिन है। चूरू राजस्थान से प्रधानमंत्री वापस यहाँ नेशनल कैपिटल में आ गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि देश को ना, जो देश की इज्जत को और देश को ना कभी मिटने दूंगा, ना कभी झुकने दूंगा। देश का शीश, भारत माँ का शीश हमेशा ऊंचा रहेगा, कभी नहीं झुकने दूंगा। अब इस संदेश के साथ उन्होंने कहा है कि देशभक्ति का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा, इसको आगे किया है। और आज ही दिल्ली के लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए, थोड़ी देर में शाम को एक ऑल पार्टी मीटिंग का गठन होना था, जहां सुषमा स्वराज जी जो हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सबको ब्रीफ करना चाहती थी, लेकिन शायद वो मीटिंग आज ना हो, क्योंकि सारी पार्टियां अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजने में, नेशनल कैपिटल भेजने में थोड़ा नाकाम है। एक इन्हीं तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री लोगों के साथ, आवाम के साथ जुड़ते हुए दिल्ली मेट्रो में, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।